मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं कि कैसे अपने फैसले का उन्हें सही साबित किया जाए। ये शब्द है भारतीय बिजनेस के सबसे बड़े नामों में से एक रतन टाटा के। ये कहानी उस इंसिडेंट के बारे में है जब रतन टाटा ने अपनी और अपनी कंपनी की इंसल्ट का जवाब शायद सबसे अच्छे तरीके से दिया। ये कहानी शुरू होती है 1998 से, जब टाटा कंपनी ने टाटा इंडिका को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, पर जैसा कि बाजार में अक्सर होता है कि चीजें अच्छी होने के बावजूद इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। इंडिका के साथ भी यही हुआ, जैसी लोगों को उम्मीद थी वैसा रिस्पॉन्स इंडिका को नहीं मिला। कंपनी का काफी पैसा इसमें इन्वेस्ट हो चुका था, डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और यह फैसला हुआ फाइनली कि कंपनी को बेच दिया जाए। नुकसान की भरपाई करना काफी मुश्किल था, इसलिए रतन टाटा इस फैसले पर एग्री हो गए। वो अपने पार्टनर्स के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए। फोर्ड कंपनी के साथ मीटिंग अरेंज हुई, मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के डायरेक्टर बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कुछ रूखा सा बिहेव किया, और बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि जब आपको कार बनानी आती ही नहीं थी तो आपने ऐसी कंपनी में इतना पैसा लगाया क्यों? हम आपकी कंपनी को खरीद कर आप पर एक एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को यह बात चुभ गई, उन्हें अपनी और अपनी कंपनी की इंसल्ट फील हुई। उन्होंने डील कंप्लीट नहीं की और तुरंत इंडिया के लिए रवाना हो गया। यहां आकर उन्होंने बहुत सोचा अपनी कंपनी के बारे में, बिल फोर्ड की बातों के बारे में, और फाइनली ये फैसला लिया कि वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। कोशिशें शुरू हुई, रतन टाटा ने अपने पूरे मार्केटिंग मॉडल को बदल दिया, अपनी सारी स्ट्रेटजीज चेंज कर डाली और फाइनली कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आ गई। दूसरी ओर फोर्ड कंपनी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा था और वो दिवालिया होने की कंडीशन में आ रही थी। रतन टाटा ने फोर्ड को एक प्रपोजल दिया कि हम आपके लग्जरी सेगमेंट लैंड रोवर और जैगवार को खरीदना चाहते हैं, और टाटा मोटर्स इसके लिए अच्छी खासी कीमत चुकाने को तैयार थे। फोर्ड के लिए अच्छा मौका था अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने का। कहानी फिर से रिपीट हुई, लेकिन इस बार किरदार बदल चुके थे। बिल फोर्ड अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ इंडिया आए। टाटा ग्रुप के ऑफिस से मीटिंग अरेंज हुई और फाइनली मीटिंग में फैसला हुआ कि फोर्ड अपने इन दो मॉडल्स को टाटा को बेच ले रही है। टाटा कंपनी ने इसके लिए 93,000 करोड़ रुपए चुकाया। आज जैगवार और लैंड रोवर दोनों टाटा समूह के अधीन हैं और मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर रतन टाटा भी बिल फोर्ड की तरह ही उससे रूखा व्यवहार करते तो शायद ये उनकी शख्सियत के खिलाफ होता। कभी कभी कुछ बातें हमें बुरी लगती हैं और शायद उनका जवाब देना भी जरूरी होता है, पर ये जवाब भी इस तरह का होना चाहिए कि जो कोई भी सुने तो इसकी तारीफ करें।